पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा दीक्षा भूमि पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर अभिवादन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला, मनपा आयुक्त राधा कृष्णन भी, स्मारक समिति सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले उपस्थित थे। इस समय नितिन राउत बोले, नेशन फर्स्ट अर्थात राष्ट्र प्रथम, ऐसा संदेश देने वाले दूरदर्शी नेतृत्व वाले महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के दिखाए राह पर चलने से निश्चित ही सफलता हासिल होगी। इस दौरान महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर नागपुर जिला प्रशासन द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर न्याय योजना समर्पण समारोह डॉक्टर नितिन राउत के उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, उनकी यह जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे संसार में मनाई जा रही है। एक प्रज्ञावंत और भारतीय व्यक्ति महत्व वे रहे हैं और उन्होंने इस देश को केवल राज्य घटना नहीं दी तो एक इस देश को ऐसा एक लोकतंत्र दिया जिस लोकतंत्र के बल पर यह देश पिछले कई सालों से पूरे संसार का एक बड़ा लोकतंत्र का देश कहलाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो विचारधारा इस देश को अर्पित की है उस विचारधारा का अनन्य साधारण महत्व है। मैं समझता हूँ कि सभी समाज के सर्व वर्ग ने और व्यक्ति ने उस विचारधारा को अगर अपने साथ जोड़ा तो निसंदेह इस देश की प्रगति तो होगी ही, साथ में संसार का सबसे बड़ा देश बनने में इसकी मदद होगी। ब्रिटिश के समय में उन्होंने एक कमीशन को बताते वक्त जब उन्होंने उनके जाति के बारे में और धर्म के बारे में कहा तब उन्होंने कहा था कि मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ और अंततः भारतीय रहूँगा। तो यह उनका वाक्य ही हमें बताता है कि भारत के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था। ऐसे महान महामानव व्यक्तिमत्व को मैं वंदन करता हूँ। उनकी जयंती पे सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।